हेलो माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड लाइव विजडम सीरीज में आज मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फाइव नेगेटिव बिलीव्स जो लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में प्लांटेड है रिलेटेड टू वेल्थ रिलेटेड टू मनी और इन नेगेटिव बिलीव्स के कारण उनका सब कॉन्शियस माइंड उनको वेल्थ से मिसाइल एक डिस्टेंस पे रखता है एक दूरी बना के रखता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि कहीं आपकी जिंदगी में वेल्थ ना आ जाए आप हमेशा एक सेपरेशन पे रहें मनी या वेल्थ के साथ और आज जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ना सिर्फ इन निगेटिव बिलीव्स को ब्रेक करेंगी बल्कि इनकी जगह आपके माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स को प्लांट भी कर देंगी तो एक एक बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो फर्स्ट नेगेटिव बिलीफ है दैट इज कि जिंदगी में अगर आप वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट वेल्थ देन यू आर गोइंग अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी और योर रिलीजन यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी में वेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं अब बहुत ध्यान से समझिएगा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ये बात डाली गई है कि रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडिया में तो ये बिलीफ हर एक घर में है हर एक बच्चे के माइंड में बचपन से ये प्लांट हो जाता है अब आपका सब माइंड जब ये जान जाता है कि वेल्थ स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है तो वो कहता है स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है वेल्थ इतनी वैल्यूएबल नहीं है और अगर वेल्थ स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड वेल्थ यानी वेल्थ को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा आपकी हेल्प कर रहा है और वो उस चीज़ को ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेगा जो ज़्यादा वैल्यू की है इसके लिए भले ही उसे एक कम वैल्यू की चीज़ को रिपेल करना पड़े उसको अपनी जिंदगी से बाहर भगाना पड़े तो सोचो ये कितना बड़ा एक मेंटल गेम है जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि रियल स्पिरिचुअलिटी अगर किसी की है यानी कि कोई इंसान सच में अगर स्पिरिचुअली ग्रो करता है तो उसे पैसे के होने या पैसे के ना होने दोनों से ही फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन वो, वो इंसान इस बात को समझता है कि पैसे का होना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे काम कर पाएगा अगर उसकी ज़िंदगी में वेल्थ होगी तो बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप वहां से वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर लो निकाल लो तो जितना अच्छा काम उनके थ्रू हो रहा है वो हो ही नहीं पाएगा तो सोचो वेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी कैसे वो स्पिरिचुअलिटी के साथ तालमेल बैठा के आगे बढ़ रहा है अपनी जिंदगी में नाउ सेकेंड नेगेटिव बिलीफ रिच पीपल आर चीटर्स और डिसऑनेस्ट यानी कि सेकेंड नेगेटिव बिलीफ लोगों के पास ये है कि जो अमीर लोग हैं वो या तो डिसऑनेस्ट हैं या चीटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को चीट किया इसलिए वो पैसे कमा पाए ये इतना ज्यादा नेगेटिव बिलीफ है कि आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी से वेल्थ को खींच के बाहर फेंक देता है अब आप ध्यान से समझना कैसे जैसा मैंने आपको बताया सबकॉन्शियस माइंड ये समझ रहा है कि आपकी जिंदगी में ऑनेस्टी या लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना एक बहुत बड़ी वैल्यू है एक बहुत बड़ा एसेट है और अगर आपने उसको ये बता दिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग ये नेगेटिव बिलीव डाल दिया है कि अमीर अगर आप बनोगे तो आपको लोगों को चीट करना पड़ेगा आपको डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा और ऑनेस्टी तो आपके लिए वैल्यू है तो सबकॉन्शियस माइंड किस किसको चूज करेगा डेफिनेटली वो ऑनेस्टी को चूज़ करेगा और सबकॉन्शियस माइंड जब ऑनेस्टी को चूज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वेल्थ को दूर भगा देगा क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ये है कि वेल्थ का मतलब है डिसऑनेस्ट होना जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा यहीं पर आपका नेगेटिव बिली ब्रेक हो जाएगा वो ये है कि आप अपने आस देखिए आप इस दुनिया को देखिए कौन से लोग हैं जो दुनिया में ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने लोगों को चीट किया है या वो लोग जिन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है डेफ़िनेटली जिन लोगों ने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन किया है जिन लोगों ने लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है वो लोग हमेशा ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल रहते हैं ज़्यादा वेल्थ अर्न करते हैं जो लोग चीट करते हैं वो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए यानी कि क्विकली तो अमीर बन जाएँ कुछ पैसे तो वो स्नैच कर लें कमा लें लेकिन वो ज्यादा देर तक वो सफलता टिकती नहीं है और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उनकी जिंदगी में बहुत सारे देखने को मिलते हैं उनके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है क्यों क्योंकि आप लोगों के साथ बुरा करके पैसा कमा रहे हैं तो जो लोग अपनी जिंदगी में ऑनेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं प्रोवाइडेड दे क्रिएट अ सिस्टम फॉर दैट वो उस डायरेक्शन में अपने आप को एजुकेट करें नाउ द थर्ड बिलीव थर्ड बिलीफ क्या है कि इट इज़ हार्ड टू अर्न मनी यानी पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है बहुत सारा एफर्ट लगता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है वो चाहता है कि आप इजी रहो आप कंफर्टेबल रहो तो जिस चीज़ को आप कह देते हैं कि ये हार्ड है वो जाहिर सी बात है कि उसको अवॉइड करेगा ना क्योंकि वो हार्ड चीज़ें आपसे नहीं करवाना चाहता है इट वॉन्ट्स टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू ईजी फॉर यू मैं इसके लिए आपको एक चीज शेयर करता हूँ अभी रिसेंटली मैं और मेरी डॉटर दोनों बैठ के हम डिनर कर रहे थे और उस समय टी वी पर सिंचैन नाम का एक सीरियल चल रहा था अब सिंचैन के जो डैड हैं उनका नाम हैरी है और वो हैरी सिंचैन से कहते हैं तुम्हें नहीं पता पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं अब मैंने तुरंत अपनी बेटी से पूछा क्योंकि मैं जानता हूं कि बिलीव्स की क्या पावर है और वो जो कार्टून सीरियल्स में जो भी चीज़ें देख रही है वो डायरेक्टली उसके माइंड में जा रहे हैं क्योंकि अभी वो सिक्स ईयर्स के अराउंड है अभी उसका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं है कि वो फिल्टर्स लगा ले मैंने तुरंत पूछा कि बेटा एक बात बताइए पैसे मुश्किल से कमाए जाते हैं या आसानी से कमाए जाते हैं और उसने कहा आसानी से कमाए जाते हैं इट इज़ ईजी टू मेक मनी क्योंकि यही बिलीफ मैं उसके माइंड में प्लांट कर रहा हूं और ये बिलीफ मैंने उसको ऑलरेडी दे दिया है तो अगर आप ये बिलीफ अपने माइंड में प्लांट कर लें कि इट इज इजी टू मेक मनी तो आप पैसा आसानी से कमा लेंगे ये एक बहुत बड़ा मैजिक है जो इंसान ये समझता है कि मुश्किल से पैसे आते हैं उसको बहुत मुश्किल काम करने पड़ेंगे फिर वो पैसा कमाएगा और जो ये बिलीव करता है कि पैसे आसानी से आते हैं उसके पास पैसे आसानी से आ जाएंगे राइट नाउ द फोर्थ नेगेटिव बिलीफ फोर्थ नेगेटिव बिलीफ है कि आई एम अनलकी मैं तो लकी नहीं हूं मेरे पास वेल्थ नहीं आ सकती अगर मैं बहुत खुशकिस्मत होता तो मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं होता तो ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स हैं जिससे उन्हें यह लगता है कि पैसा किस्मत से आता है ये बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ है क्योंकि अगर किस्मत से पैसा आता और पैसा टिकता तो जिन लोगों को लॉटरी लगने से पैसा आया है वो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अमीर होते ऐसा नहीं होता आप जाके एनालिटिक्स चेक कर लीजिए गूगल पे सर्च कर लीजिए आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 95 टू 97 परसेंट लोग जो किस्मत से अमीर बनते हैं वो अपना सारा पैसा गवा देते हैं वो सारी वेल्थ गवा देते हैं हार्डली थ्री परसेंट लोग या फाइव परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो उसे रिटेन कर पाते हैं और बहुत ही कम लोग उसे ग्रो कर पाते हैं तो किस्मत से कोई इंसान अमीर नहीं बनता हो सकता है एक बार बन जाए लेकिन बना नहीं रहेगा तो ये एक नेगेटिव बिलीफ है इसको ब्रेक करना शुरू कर दीजिए अपने आप से कहना शुरू करिए कि आई डिजर्व वेल्थ आई डिजर्व मनी मैं मनी और वेल्थ के लायक हूं मैं इस काबिल हूं कि मुझे दुनिया में बहुत सारा वेल्थ मिले और जब आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे वो नेगेटिव बिलीफ ब्रेक हो जाएगा राइट एंड नाउ फिफ्थ एंड द फाइनल बिलीफ ये नेगेटिव बिलीफ है कि मनी इज ईविल पैसा बुरा होता है बहुत सारे लोगों के पास ये डीप रूटेड बिलीफ है कि पैसा बुरा होता है या पैसा उन्हें बुरा बना देता है अब यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि मनी इज लाइक अ कैटलिस्ट कैटलिस्ट जानते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन में अगर किसी कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं दो केमिकल्स का रिएक्शन हो रहा है वहां पे आपने कोई कैटलिस्ट डाल दिया अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा अगर कोई नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो वो उस जो रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा यानी कैटलिस्ट क्या करता है किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाता या घटाता है अब मनी को मैं मानता हूं एक पॉजिटिव कैटलिस्ट तो अगर आप एक बुरे इंसान हैं और आपके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाए तो आप उससे और बुरा काम करेंगे लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाए मैं एक एग्जांपल देता हूं सपोज करो कि आपके पास 1000 करोड़ आ था जस्ट इमेजिन तो क्या आप उस 1000 थाउजेंड करोड़ को अच्छी चीजों के लिए यूज करेंगे या बुरी चीजों के लिए यूज करेंगे आप खुद सोच के देखो खुद अपने अंदर चेक करके देखो और मैं कमाल की बात बताता हूं अगर आप अच्छी चीजों के लिए यूज करेंगे उस वेल्थ को तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यूनिवर्स आपके ऊपर पैसे की बारिश कर दे बारिश का मतलब एक्चुअल रेनफॉल नहीं होने लगेगी डॉलर्स की या नोट की नहीं एक्चुअली होगा यह कि आपका माइंड उस लेवल पे आ जाएगा कि आप उस अपॉर्चुनिटीज को देख पाएं जो आपकी जिंदगी में आपको हेल्प कर सकती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए राइट right? तो ये फाइव बिलीव्स हैं जो फाइव नेगेटिव बिलीव मैंने आपको बताए और एक एक करके मैंने एक एक बिलीव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है अपने माइंड में इन बिलीव्स को रिपीट करिए और आज आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक डिसीजन लीजिए कि मुझे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है आप सोच के देखो अगर लोगों की लाइफ में ये वीडियो जाए और उनकी जिंदगी में उनके फाइनेंस के चैलेंज सॉल्व होना शुरू हो जाए कितना चेंज आएगा उनकी जिंदगी में और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये फाइव पॉइंट्स जो आपने समझे हैं इन फाइव पॉइंट्स में से कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो आपके पास थे यानी कि विच नेगेटिव बिलीव्स डिड यू हैड डीप रोटेड हो सकता है वो बहुत गहराई में पड़े हुए हों जो आज टूटना शुरू हो गए राइट एंड वॉट यू लर्न आउट ऑफ दिस वीडियो टूडे एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो